हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोर विद आरएनवी। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देखिए फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक्सप्रेस वेजिटेरियन। यहाँ पे हम एक बफे थाली खाने आए हैं जो कि 150 की है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पे बफे अनलिमिटेड है 150, और बाकी आप और चीज़ें भी अगर खाना चाहते हैं, स्नैक्स वगैरह, तो वो भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये भारत नगर चौक पे है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। देखिए, एंटर करते हैं तो यहाँ पर बैठ के थोड़ी सिटिंग है। यहाँ पे जो आप आला कार्ट से ऑर्डर करेंगे वो वाला फूड आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। और सामने आप स्लिप लेके, तो एंट्री करने के लिए आपको पहले स्लिप लेनी पड़ेगी। 150 की है तो हम 3 स्लिप ले रहे हैं। तो उसके बाद जब हमको स्लिप मिल जाएगी ये, तो हम अंदर एंटर कर सकते हैं जहाँ पे बफे आपको मिल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए, ये एंट्री पे यहाँ पे टॉयलेट, आगे देखिए काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है, बहुत साफ़ सुथरा और सुंदर सा, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। पहले एंट्री करते ही एम्बियंस अच्छा लगना चाहिए, तो खाना खाने में और भी मज़ा आता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके एंट्री पे ही। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं बफे वहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, मच्छर मारने वाली मशीन खोया कुल्फी, यानी कि स्वीट डिश शायद इसमें अवेलेबल नहीं है। चलिए देख लेते हैं पहले इधर सैलेड, खीरा है, अनियन है और टमाटर है, मिक्स कैबेज का सैलेड है, चिल्ली, जो भी आपको स्टार्टिंग में सैलेड के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। पहले चटनी, दही बल्ला। चलिए अब आगे चलते हैं, इधर देख लेते हैं पहले, सबसे पहले वेज नूडल, और ये है वेज मंचूरियन। ये स्टार्टर आ गए हैं, ये नूडल्स हैं, और चीज़ चिल्ली, 3 हमारे स्टार्टर हो गए। उसके बाद मेन कोर्स पे देख लेते हैं। ये चाइनीज़ आइटम है, ये है सोया चाप और राइस, देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ट्राई करते हैं कैसे हैं ये। ये है कढ़ी पकौड़ा और राजमा, बहुत ही यम्मी से लग रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। दाल फ्राई है, साथ में कढ़ाई पनीर है। तो 6 हमारी अभी तक सब्जियां हो चुकी हैं, दाल फ्राई और कढ़ाई पनीर। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। ये है मिक्स वेज और मटर मशरूम, देख के तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। येलो दाल और पालक कॉर्न, येलो दाल तो भैया हम खाने वाले नहीं हैं, हाँ पालक कॉर्न थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है, लाइव इटालियन चीज़ पास्ता। ओके, ये इंक्लूडेड है इसमें, बफे में ही इंक्लूडेड है। तो लास्ट टाइम जब आए थे पास्ता नहीं था, इस बार पास्ता भी है, साथ में एक पिज़्ज़ा का काउंटर भी है। तो पिज़्ज़ा और पास्ता लास्ट टाइम नहीं थे, जो इस टाइम इन्होंने इंक्लूड किए हैं। अभी मैं लाई हूँ सैलेड, पास्ता 2 तरह का, नूडल्स, मंचूरियन, चीज़ चिल्ली और रायता। हमें कैसे लग रहा है? पिज़्ज़ा।
कैसा रहना फिर? खाओ रहना, खा के बताओ कैसा है। और आया ना कढ़ाई पनीर ले आई, चाप, ये तो पहले की है, ये खाई नहीं थी, और पिज़्ज़ा फिर से, और मिक्स वेज। कैसा लग रहा है रैना? अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? अब मैं ले आई हूँ दाल, राजमा, कढ़ी, चाप। चाप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो ये मैंने सेकंड टाइम लिया है, बाकी एक एक बार ही लिया है क्योंकि इतना सफिशिएंट था। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर खाना छोड़ेंगे तो 100 रुपये आपसे जुर्माना लिया जाएगा, जो अच्छी बात है। तो ऐसा है, खाना आप खाओ जितना मर्जी, लेकिन आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेट भर के खाओ, जितना खाया जाता है उतना ही प्लेट में लो तो अच्छा है, वेस्ट करना तो अच्छी बात है नहीं खाने को। तो ऑल इन ऑल मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस, खाना मुझे काफ़ी टेस्टी लगा और 150 रुपीज़ में फुल पैसा वसूल है यहाँ पे, और आप आके ट्राई कर सकते हो। खाने का टेस्ट भी अच्छा है, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी कमी है, जैसे जो स्टार्टर हैं मंचूरियन वगैरह, वो उस तरीके से नहीं है जो हम अलग से ऑर्डर करते हैं तो उनका अलग सा टेस्ट होता है, उस टाइप से नहीं है। हो सकता है क्वांटिटी में ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन सब्जियां काफ़ी अच्छी हैं, आप एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरा पैसा वसूल होगा आपका। स्पेशली मुझे चाप और पिज़्ज़ा और पास्ता ये काफ़ी अच्छे लगे हैं, आप भी आके यहाँ पर खाना खा सकते हैं, लुधियाना में है ये, तो आप आएँ और यहाँ पर खाएँ, काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।